लगातार हम लोग कह रहे थे, चूंकि नीतीश कुमार अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेने में इनको काफी दिक्कतें हो रही थी। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब ये साफ साफ स्पष्ट तौर पर न्यायालय ने कहा कि मंगलवार तक अगर आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो न्यायालय स्वयं निर्णय लेगी, इन हालातों में राज्य की सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधिकारियों के द्वारा होगा उससे साफ साफ बातें खुलकर के आएगी कि किस रूप में लॉकडाउन बिहार में प्रभावकारी होगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह से लॉकडाउन की बात कर ले तो लॉकडाउन को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां पहले से ही कह रही थी। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने ही पहले ही कहा था कि जल्द से जल्द सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए क्योंकि लोगों की जान जा रही थी। और आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है वह काफ़ी देर से लगाया है, सरकार को यह फैसला जो है पहले ही लेना चाहिए था क्योंकि कई लोगों की जान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी ने ले लिया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी की वजह से कई लोगों की जान गई और इसको लेकर जो है वो पहले से राजद के द्वारा कहा जा रहा था और कांग्रेस के द्वारा कि लॉकडाउन लगना चाहिए, और अब जब लॉकडाउन लगा है तो आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि यह जो निर्णय है वह बहुत ही लेट से लिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, सुनिए। 15 मई तक राज्य की सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया है उसका फलाफल सामने अभी तक आया नहीं है कि वो किन किन चीजों को बंद से मुक्त रखेगी, कौन से आवश्यक वस्तु चीजें को वो चालू रखेगी। लेकिन ये देर से उठाया गया कदम है। लगातार हम लोग कह रहे थे, चूंकि नीतीश कुमार अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेने में इनको काफी दिक्कतें हो रही थी। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब ये साफ साफ स्पष्ट तौर पर न्यायालय ने कहा कि मंगलवार तक अगर आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो न्यायालय स्वयं निर्णय लेगी, इन हालातों में राज्य की सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधिकारियों के द्वारा होगा उससे साफ साफ बातें खुलकर के आएगी कि किस रूप में लॉकडाउन बिहार में प्रभावकारी होगा। लेकिन ये बहुत देर से उठाया गया कदम है। कितने लोगों की जिंदगियां कोरोना संक्रमण के कारण आज जो है वो ऊपर चले गए, कई लोग जीवन और मौत के बीच से जूझ रहे हैं। इन परिस्थितियों में संवेदनहीन बिहार के मुख्यमंत्री ने जरा सा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इसका नतीजा रहा कि कई लोग लगातार अपनी जो है जान गंवाते रहे, ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना, दवा के बिना। ये सारी चीजें बिहार में बदस्तूर जारी था लेकिन संक्रमण